रवींद्र कुमार जी हैं, 34 ईयर एज, हिप जॉइंट पे प्रॉब्लम है इनको, और 13 जून 2019 को मेरे पास फर्स्ट टाइम दिखाने आए थे ये, और इलाज के लिए मेरे पास ये 10 से 12 दिन पहले आए थे, 1 तारीख को आए थे मेरे पास, और 1 तारीख के बाद ये 12 दिन के बाद का एक्सरे है जब इलाज इनका हो गया है अभी, और 13 जून के और 12 जुलाई के बीच का एक्सरे है ये, 10 दिन 1 तारीख को ये मेरे पास आए थे और आज 12 तारीख है, हमने एक्सरे कराया। बहुत चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस बहुत हैं, मेजर कम हैं क्योंकि ये ऑपरेटिव केस हैं। तो रवीन जी बताइए, कहाँ से हैं पहले आप? मैं सर उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं, ये क्या परेशानी हुई थी और कब हुई थी स्टार्ट ये? मुझे ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2015 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम। उसके बाद मेरे पैर में, सारे पैर में लहर मार दी थी। अच्छा, ठीक है। तो सभी डॉक्टर्स ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए कहा था। ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया। रिप्लेसमेंट के बाद फिर लास्ट टाइम, मतलब मैंने 15-20 डॉक्टरों को दिखाया होगा, वेदांता तक दिखाया मैंने। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे सही प्रॉपर तरीके से। तो देहरादून में मेरा ड्रिल हुआ है। ड्रिल कराया आपने? दोनों हिप में ड्रिल हुआ है मेरा। ये रवीन जी हैं, इन्होंने ड्रिल कराया हुआ है। तो एक रिप्लेसमेंट के पहले हिप में एक सर्जरी होती है ड्रिल, जिसमें जो एक्सेसिव पार्ट्स होते हैं उसको वो ड्रिल के द्वारा निकाल देते हैं उसको। ये ऑपरेशन इन्होंने कराया है, उसमें कितना खर्चा आया था? खर्चा उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास आया। 1.5 लाख रुपये एक हिप का? दोनों हिप का। ठीक है, डॉक्टर ने 6 महीने के बाद मुझे फिर गारंटी से मना कर दिया था। पहले 20 साल की गारंटी दी थी उसने मुझे। उस ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 20 साल तक दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शायद 6 महीने बाद ही जब मैं चलने लगा तब मुझे दिक्कत आ गई थी। 6 महीने के बाद ही मुझे दिक्कत आना शुरू हो गई थी। मैंने 8 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट किया, कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग की, मैंने चला, ऑफिस गया मैं, तो मुझे फिर प्रॉब्लम चालू हो गई। तो मैं दोबारा उन डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे कहा कि अब मेरी कोई गारंटी नहीं, आप दिल्ली में चले जाओ। उन्होंने एक रेफरेंस नंबर दिया था उन्हें दिल्ली का, दिल्ली में रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सर बस वो मेडिसिन खाता रहा, पेन किलर में। जब भी पेन हुआ, ज़्यादा पेन हुआ, पेन किलर खा लिया, तो उनसे थोड़ा सा रिलीफ हो जाता था। यहाँ कैसे मालूम पड़ा आपको? यहाँ मुझे आपके, मैंने फेसबुक पर एक वीडियो देखी थी। ठीक है, उससे मुझे मालूम चला। यहाँ पे आप कब आए थे इलाज के लिए? यहाँ मैं 13 तारीख को आया था फर्स्ट टाइम दिखाने के लिए आपको। इलाज के लिए मैं 1 तारीख को आया हूँ आपके पास। इलाज 1 जुलाई को आप आए थे और 12 तारीख का हमने एक्सरे कराया है। यहाँ पे हमने कोई ऑपरेशन किया आपको? कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन लगाया, कोई साइड इफेक्ट किया बॉडी को? अच्छा, तो इम्प्रूवमेंट पहले से आप में कुछ है, कुछ समझ में आ रहा है? आराम लग रहा है पहले से? क्योंकि हमने आपको कोई भी एक्सेसिव ना मेडिसिन दिया, ना कोई इंजेक्शन लगाया। जो तो पेशेंट्स को जो एवियन से हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि क्या नाम है, अगर वो इससे बीमारी से गुजर रहे हैं तो वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाए और अपना ट्रीटमेंट चालू करें। आपके सामने बहुत से पेशेंट यहाँ रिकवरी उनकी हुई है, बहुत से पेशेंट गए हैं वो, तो उनको आपने देखा उन्होंने ऑपरेशन शायद नहीं कराया था, विदाउट ऑपरेशन आए थे। तो उनकी रिकवरी में और आपकी रिकवरी में डिफरेंस? उनकी रिकवरी में मुझे बहुत फास्ट लगा, उनके बहुत रिकवरी चेंजेस काफ़ी हुए उसमें, 95% तक हुए हैं। वो आपने देखा है? बिल्कुल देखा है जी। तो अभी मैंने आपको मेडिसिन दिए हैं और मेडिसिन के बाद फिर आपको सेकंड विजिट में मैंने बुलाया। हाँ जी, तब तक आपको एक्सरसाइज और मेडिसिन कंटिन्यू करनी है ना। उसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आपको मुझे कॉन्टेक्ट कर। थैंक यू।